मैं इस पर यकीन रखता हूं कि आप सीखते तब हैं जब आप दूसरों को सिखाते हैं। हम अक्सर दरख्त काटने में इतने मसरूफ रहते हैं, हमें ये तक पता नहीं होता कि हम गलत जंगल में हैं। जहां कोई माली नहीं होता वहां कोई बाग नहीं होगा। अपना ज्यादा वक्त प्लानिंग बनाने में गुजारे। अक्सर जंग जनरल के खेमे में प्लानिंग के जरिए जीती जाती हैं। कुर्बानी का असल मतलब ही यही है कि किसी बेहतर चीज के लिए अच्छी चीज को तर्क करना। जिंदगी में मसाइल तब आते हैं जब आप मेहनत किसी और चीज पर करें और उम्मीद किसी और चीज की कर रहे हो। अक्सर इंसान को वही नजर आता है जो वो देखना चाहता है। किसी गलती को फौरन तस्लीम करना, उसे ठीक करके सबक हासिल करना यकीनी तौर पर एक नाकामी को कामयाबी में बदल देता है। सुनो, समझने के इरादे से, जवाब देने के इरादे से नहीं। आप जड़ को तब्दील किए बगैर फल को नहीं बदल सकते। अगर आप एक फूल से कहते हैं कि बढ़ो, लेकिन आप पानी दूसरे को दे रहे हैं, तो पहला कभी नहीं उगेगा। हम में से ज्यादातर लोग अर्जेंट चीजों को वक्त देते हैं, ना कि जो जरूरी हैं। जब एक दूसरे के मुकाबले में ज्यादा फायदा देता है तो ये एक जीत और हार की सूरत हाल है। कुछ सीखना लेकिन उस पर अमल ना करना ना सीखने के बराबर है। पसंद करने से बेहतर है कि आप पर एतमाद किया जाए। आपके पास दो कान और एक जबान है, इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। आपको उस दरख्त को पानी देना है जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप अपने साथियों को ये पता चलने नहीं देते कि आप किस लेवल पर हैं सवाल पूछकर या अपनी ला इल्मी जाहिर करके, तो आप कभी नहीं सीख सकते और ना आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में तीन चीजें बहुत अहम हैं: तब्दीली, इंतखाब और असूल। अगर आप किसी काम को मुकम्मल करना चाहते हैं तो किसी मसरूफ आदमी को दे दें। हर खानदान एक टेलीविजन के सामने 30 घंटे गुजारता है और उनका कहना है कि उनके पास मतवाजन जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं है। मैं लोगों को सिखाता हूं कि मेरे साथ किस तरह सलूक किया जाए, जिसकी मैं इजाजत दूंगा। जब आपके अंदर एक हाथ तड़प रहा हो तब ना कहना बहुत आसान होता है। अगर बड़े पत्थर शुरू में अंदर नहीं जाते तो वो बाद में भी अंदर पूरे नहीं जा सकते। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।